चैप्टर नंबर 5 प्रॉब्लम नंबर 3 कॉन अ कॉन 40 mm डायमीटर एंड 50 mm इज एक्सिस रेस्टिंग ऑन वन जनरेटर स्पॉट लाइंग ऑन द एचपी व्हिच इज पैरेलल टू वीपी इट इज कट बाय अ हॉरिजॉन्टल सेक्शन प्लान थ्रू द इट्स बेस सेंटर थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ सरफेस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कौन लेना है, उसके लिए आपको क्या लिया है, डायमीटर और हाइट एक्सिस ऑफ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक्सिस लाइन ड्रॉ करूंगा अप्रोक्सीमेटली, उसके बाद क्या करूंगा मैं, तो लेफ्ट साइड से राइट साइड आऊंगा अप्रोक्सीमेटली वर्टिकल सेंटर लाइन ड्रॉ करूंगा मैं. और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कौन का बेस बनाऊंगा सर्कुलर डायमीटर. यहाँ पर आपको डायमीटर 40 दिया है तो मैं यहाँ से नीचे 30 mm जाऊंगा और एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन ड्रॉ करूंगा और सेंटर पॉइंट ऑफ जीरो क्योंकि यहाँ पर कौन है उसके एपेक्स पॉइंट आएगा. फिर आपको रेडियस लेनी है 20 mm, तो सेंटर पे जीरो पे रखूंगा और यहाँ पर एक सर्कल बना लूंगा मैं. सर्कल बन जाने के बाद मैं उसके एक डिवीजन करूंगा 45 degree. ये 90 डिग्री का एक डिवीजन है, उसको मिडल पॉइंट मिलूंगा यहाँ पर, वो 45 डिग्री पे होंगे, इसको 45 डिग्री पे मैं कट कर रहा हूँ. अभी इसके 8 डिवीजन हो गए. अभी क्या करना है आपको, उसके नंबरिंग लेना है. तो मैं नंबरिंग उसके यहाँ से ले रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 नंबर. और इस लास्ट में यहाँ पर नीचे रेडियस लिखा सकते हैं 20 mm. उसके बाद क्या करना है, ये आपका टॉप व्यू आ गया पॉइंट का. अभी आपको उसको फ्रंट व्यू लेना है, उसकी सभी पॉइंट आपको बेस में ट्रांसफर करनी है. यहाँ पर ऑन जो है उसका बेस आपको कैसे मिलेगा, बॉटम बेस टैप होगा. उसके बाद उसकी हाइट लेनी है, यहाँ पर कितनी दी आपको 50 mm, यहाँ से आपको 50 mm ऊपर जाना है, सेंटर ऑफ जीरो, हाइट आपको मिल गई 50 mm. और सभी प्रोजेक्शन लाइन आपको ज्वाइन करनी है लाइन लाइन. तो ये आपका कॉन का फ्रंट व्यू दिख रहा है. अभी आपको याद रखना पड़ेगा ग्राउंड को आप जब भी ये सामने से देखोगे तो उसकी खाली बाउंड्री लाइन ही डाल देंगे, हमें बाउंड्री लाइन डाल दूंगा. उसके बाद यहाँ पर ड्राइंग में लिखा है कि जो पिरामिड है उसको कटिंग डेवलपमेंट ग्रो करने के लिए उसको इसके जनरेटर पे लाइन ऑन द एचपी मींस के उसके कोई बेस लाया साइड को उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आपको रख देना पड़ेगा, रेस्टिंग करना पड़ेगा. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो एक्सिस लाइन है उस पर आपको उसको लाइन मतलब रेस्ट कर देना है. तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट कौन सा है, 5 नंबर. यहाँ से मैं अप्रोक्सीमेटली 2 या 3 सेंटीमीटर छोड़ूंगा और पॉइंट नंबर 5 लिख रहा हूँ. उसके बाद क्या करना है, राउंड लेना है, राउंड से 0 से 5 नंबर ले लेना है यहाँ से ये कॉर्नर. फिर उसको क्या करना है, 5 नंबर पे रखना है और यहाँ पर कट कर देना है और 5 नंबर 0 यहाँ पर मिलेगा, उसकी जनरेटिंग साइज आ गई. उसके बाद क्या करना है, उसका डायमीटर लेना है जो आपको दिया है में 5 नंबर 1 से 5 नंबर, उसको 5 नंबर पे रखना है और ऊपर अप्रोक्सीमेटली से कट करना है 5 नंबर पर रख के. उसके बाद फिर से वही पॉइंट साइड फेस लेना है उसकी स्लैंट हाइट और सेंटर 0 पे रखना है इस बार और ये लाइन को कट करना है. तो यहाँ पर उसका आपको बेस की इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगी, उसको मैं ऐसे ज्वाइन कर रहा हूँ और 0. तो यहाँ पर क्या हुआ, आपको जो उसकी जनरेटिंग साइड थी उस पर वो रेस्टिंग हो गया और अभी उसकी बाउंड्री लाइन पे डार्क कर रहा हूँ. तो यहाँ पर कौन सा नंबर था फर्स्ट में, फर्स्ट. उसके बाद इसकी सेंटर लाइन इसका हाफ डिस्टेंस ले लीजिए, सेंटर पे रखिए और कट कीजिए. यहाँ पर उसकी लाइन लाइन ले जाएगी सेंटर लाइन, कौन सा नंबर है बीच में 3 और 7, यहाँ पर 3 और 7 आ जाएगा. उसके बाद उसके बाद में 4 और 6 के और 2 और 8 नंबर है, इसका हाफ डिस्टेंस इतना लेना आपको और सेंटर 3 और 7 पे रख के दोनों साइड कट कर देना है और बाकी की जो जो प्रोजेक्शन है जनरेटर स्पॉट को मिल जाएगी. तो अभी क्या हुआ, जो पॉइंट है जो कौन था वो रेस्टिंग ऑन एचपी हो गया, लाइन ऑन एचपी. उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर कंडीशन खुला है
इसको horizontally section plane through the base center. Base center ये है. अभी उसको cut करना है, parallel cut करना है. यहाँ से किसको horizontal plane को parallel. यहाँ से आपको parallel ही cut करना है इसके base center से. यहाँ पे मैं एक center line draw कर रहा हूँ. Cutting line. तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट कटिंग में आएंगे वो पॉइंट आपको रखना है. ये पॉइंट है 37. उसके बाद यहाँ पर देखिए कौन सा नंबर था यहाँ पर 2 और 8 नंबर और लास्ट में यहाँ पर था 4 और 6 नंबर. तो यहाँ पर एक यहाँ पर कौन सा पॉइंट नंबर आएगा आपका 4 और 2 और 8 नंबर. उसके बाद लास्ट में कौन सा यहाँ पर 1 नंबर बराबर. तो इतने पॉइंट आपकी कटिंग में आएंगे. अब ये क्या करना है आपको उसको वहाँ से आपको डेवलप करना है रेडियल डेवलपमेंट मेथड यूज़ करना है. इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको ना पहले उसका एंगल निकालना पड़ेगा. डिग्री फॉर्मूला या फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए स्मॉल आर अपॉन कैपिटल एल इनटू 360 डिग्री. तो ये जो फॉर्मूला है उसको आपको यूज करना है. स्मॉल आर मींस के रेडियस नहीं है 20. उसके बाद उसकी स्लैंट हाइट उसकी कुछ आएगी उसकी हाइट कुछ आएगी आपको 55 mm कुछ ऐसा आएगा 55 mm लेंगे. तो आपके जो भी स्लैंट हाइट है उसके हिसाब से यहाँ पर मैं 55 ले रहा हूँ. 55 से आप कैलकुलेट करोगे तो आपको कुछ 148 के जो भी आंसर मिले अब यहाँ पर जो भी आंसर आए उसको आपको डिग्री की यूज करना है और उतना डिग्री का आपको आपको आर्क माना है. यहाँ से अप्रोक्सीमेट रख के आपको आर्क मान देना है बराबर. सेंटर ऑफ जीरो पे रख के यहाँ से आर्क मान देना है. उसके बाद क्या करना है आपके यहाँ पर कितने डिवीजन किए 8 डिवीजन. तो आपको पता है कि मेरा आंसर घर हो गया. एग्जाम्पल यहाँ पर मुझे 150 डिग्री की है बराबर. तो 150 डिग्री तो यहाँ से आपको बेस लाइन से 150 डिग्री ले लेना और यहाँ इतनी एरिया में आपका ड्राइंग आ जाएगा बराबर. अभी क्या करना है यहाँ पर आपने कितने डिवीजन किए 8 डिवीजन किए. तो आपको 150 का आपको 8 डिवीजन करना पड़ेगा. तो डिवीजन ऑफ प्राइम नंबर से भी मतलब डिवाइडिंग रूल के हिसाब से आप कर सकते हो 8 डिवीजन. 150 का 75 का हाफ 37 को हाफ कुछ हो जाएगा और उसके हाफ कर दीजिए आप डिवाइडिंग रूल के हिसाब से बाय सेंटिंग मैटर से. तो आपको यहाँ पर 8 डिवीजन मिल जाएंगे. आपको यहाँ पर 8 डिवीजन मिल गए. अभी आपको स्टार्ट करना है पॉइंट नंबर 1 से. यहाँ पर पॉइंट नंबर में 1 लिख रहा हूँ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 7. जहाँ से आप स्टार्ट करोगे वही पे आपका ड्राइंग खत्म होना चाहिए. अभी क्या करना है आपको सभी पॉइंट को ट्रांसफर करनी है बराबर. तो यहाँ पर 3 और 7 बेस लाइन पे है बराबर. दो लाइन आपकी बेस लाइन पे है. उसके बाद आपको क्या करना है सभी पॉइंट को ट्रांसफर करने पड़ेंगे. 2 और 8 की लाइन है स्ट्रेट लाइन यहाँ पर आएगी कॉम्पाउंड नंबर की आगे. तो सभी लाइन को आप ट्रांसफर कीजिए. सेंटर ऑफ जीरो पे रखे ये फर्स्ट लाइन आ जाएगी. सेंटर ऑफ जीरो पे रखिए फर्स्ट लाइन भी कौन सी नंबर है 2 और 18 सेकंड लाइन आ जाएगी. और बाकी की यहाँ पर जो पॉइंट आ रहा है कटिंग में वो पॉइंट हम ले रहे हैं कटिंग करने के कटिंग वाला पॉइंट. तो 3-7 आएगा पूरा ये आ जाएगा. अभी यहाँ पर कैसे है आपका 3 और 7 के बीच का एरिया लेना है. बाकी का एरिया आपका कट हो जा रहा है. तो 4-6 आएगा 5 आएगा और 3-7 आएगा बराबर. तो 1 नंबर स्टार्ट तो होगा 1 इतना एरिया आपका कट हो रहा है और बाकी का एरिया आपका इतना रिजर्व हो रहा है. इतना ड्राइंग रहेगा यहाँ पर मैं भी लिखूंगा इतना एरिया आपका आंसर में आएगा इतना आपका एरिया कट हो रहा है. तो यहाँ से मैं पॉइंट नंबर 1 है ये पॉइंट नंबर 1 हो गया. सेम यहाँ पर स्टार्ट कीजिए पॉइंट नंबर 1. उसके बाद देखिए 2 और 8 की लाइन देखिए यहाँ पर 2 आएगा. सेम यहाँ पर देखिए 8 नंबर. उसके बाद कौन सा नंबर है 3 और 7. तो 3 और 7 नंबर में इसके डायरेक्ट यहाँ पर चला जाएगा अपना ड्राइंग. उसके साथ कौन सा है 7 बराबर. तो यहाँ पर जो कर्वेचर लाइन है ये बीटी है सर्कुलर आपको स्मूथली कर्वेचर बनाना पड़ेगा. कुछ ऐसी लाइन है बराबर. और उसको आप ज्वाइन करोगे बराबर. उसको आप ज्वाइन करना है यहाँ का ऐसे और बाकी का पूरा एरिया ऐसे कवर हो जाएगा कि यहाँ पर कैसे इतना पार्ट कट होने के बाद आपका इतना ही रहेगा. तो ये आपकी
तो ये है डेवलपमेंट ऑफ कॉर्न ऑफ प्रॉब्लम नंबर थ्री. थैंक यू.